डीएफओ विकास यादव ने गोरखपुर महोत्सव पर कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें वन विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करने जा रहा है। पिछले दो वर्षों से एक नई पहल की है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन जीवों के ऊपर फिल्मोत्सव का आयोजन करते हैं, जो कि बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होता है, जो कि 11 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रतिदिन 2 घंटे होता है। इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी कि किस तरह से अपने वन जीवों को संरक्षित करना है। इसके साथ ही बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें कक्षा 12 तक के बच्चे भाग लेंगे। इसमें विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि हम लोग वन विभाग का स्टॉल भी लगाने जा रहे हैं और वनों से बने सामानों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, वर्ष की बात है, इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उसमें भी वन विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ गोरखपुर महोत्सव में प्रतिभाग करने जा रहा है। इस बार भी पिछले दो वर्षों से हमने एक नई पहल की है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवों के ऊपर फिल्मोत्सव का हम लोग आयोजन करते हैं। गोरखपुर महोत्सव के दौरान एक फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक 11, 12, 13 प्रतिदिन 2 घंटे जो भी महत्वपूर्ण पिक्चर है या मूवी है और इसमें जो ग्रीन ऑस्कर विजेता माइकल पांडे जी की जो खास तौर पर जो ऐसी उल्लेखनीय फीचर फिल्म्स हैं जिसे देखकर जो है बच्चों को एक नई जागरूकता मिल सकती है, लोगों को एक नया जागरूकता मिल सकती है, एक नया पहलू मिल सकता है कि हमें किस तरीके से पर्यावरण को और अपने वन्य जीव को संरक्षण करना है। उनकी मूवी जो है दिखाई जाएगी। ये मूवी देखना अपने आप में दुर्लभ है क्योंकि माइक एच पांडे जी जो हैं इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी जो देश विदेश में ख्याति है तो उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो 3 दिन लगातार उनकी पिक्चरों का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने एक क्विज कंपटीशन इसमें आयोजित कर रहे हैं हम लोग, इसमें बच्चे जो है 12th क्लास तक के बच्चे निःशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें जो उसमें विजेता रहेगा या जो पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें मिनिमम मार्क्स लेके आ रहा है उसको हम लोग एक प्रशस्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो ये हम लोग मूवी जो फिल्मोत्सव कर रहे हैं उसमें निःशुल्क एंट्री है और जो भी उनके लिए व्यवस्था है वो हम लोग पूरी तरीके से उन लोगों करके वहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग जो अपने 2 स्टॉल लगाने जा रहा है, एक हम लोग जो वन विभाग से संबंधित कार्य है उसका प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ जो बैम्बू का जो उत्पाद एक अनोखा पहल गोरखपुर में हम लोगों ने किया है उससे जो उत्पाद बन रहे हैं उसकी एक लिए भी स्टॉल बनेगा। इस प्रोग्राम में जो हम लोग करने जा रहे हैं हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान और साथ ही साथ हेरिटेज फाउंडेशन जो इस पर्यावरण संरक्षण में हमें से अग्रणी रहता है, हमें से बढ़ चढ़कर योगदान देता है, हम उनके साथ में ये प्रोग्राम आगे करने जा रहे हैं। और जो स्टॉल लग रहा है उसमें साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो हमारे जैसे नमामि गंगे अभी प्रोग्राम चल रहा है तो नदियों को किस तरह हम संरक्षित कर रहे हैं, नदियों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको किस तरह संरक्षित कर रहे हैं, साथ ही साथ जो वन्य जीव है या पर्यावरण के ऊपर जो डाक टिकट है उसका भी अनूठा संग्रह किया गया उसको भी हम लोग इसमें प्रदर्शित करेंगे। तो एक हम लोग कई मुद्दों पर कई पहलुओं पर एक साथ इसमें चीज़ें